हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जो है 5 हैबिट्स के बारे में, जो कि UPBCS एस्पिरेंट्स के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये उनकी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, उनकी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय गंवाते ना हुए, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप हैं तभी हम वीडियोज़ बना पा रहे हैं। आपका प्यार, आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के बदौलत हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हम 5 हैबिट्स की बात करेंगे जो कि UPBCS एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो अपनी लाइफ में वो शामिल कर लें तो ज़रूर उनकी प्रिपरेशन में ज़रूर बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो पहली जो हैबिट है वो है कि हमारा जो माइंडसेट होता है कि हम कुछ भी नई बुक पढ़ते हैं, कोई नया कॉन्फ्रेंस, कोई नया लेक्चर सुनते हैं, तो हमें पहले ये लगता है दिमाग में कि हिस्ट्री का लेक्चर है, अगर कोई मॉडर्न इंडिया का चैप्टर है, गांधी जी पर कुछ है, तो हमें लगता है कि वी ऑलरेडी नो इट, हम जानते हैं इस बारे में। पर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर ऐसा माइंडसेट रहेगा और आप तो आप क्यूरोसिटी से उस चीज़ को समझ पाएंगे, आप ओपन माइंड होकर उस लेसन को, उस लेक्चर को ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट होता है आई ऑलरेडी नो इट, हम ये जानते हैं। उससे आगे बढ़िए, आपको ये अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे नहीं पता। मुझे अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आप उसको नए सिरे से क्रिएटिव वे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक कहते हैं, एक बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत शार्प होता है, क्योंकि उसे एक्चुअली में नहीं पता होता, और एक नई तरीके से जब उसके दिमाग में वो चीज़ डाली जाती है तो वो उसको और अच्छे से समझ में आती है। तो आप जो जानते हैं वो जानते हैं, पर अपना माइंडसेट ऐसे बना के रखिए कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे वो इम्प्रूवमेंट होती है। तो सेकेंड हैबिट की बात करते हैं। सेकेंड हैबिट है कि आपको अपने बारे में, अपनी दैनिक जो आपकी प्रिपरेशन है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन सब को राइटिंग में लिखना चाहिए, यानी कि आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, अपनी लाइफ को एक डेली डायरी रूटीन में बनानी चाहिए। उसमें आप अपने इमोशंस लिख सकते हैं, अपने रूटीन के बारे में लिख सकते हैं, अपने फीलिंग्स को लिख सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं लिखती हूँ, मैं अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ, उसको एनालाइज कर पाती हूँ, अपने थॉट्स को एनालाइज कर पाती हूँ। जब मैं एक महीने तक जर्नलिंग करूं और उसके बाद मैं देखूं कि क्या लिखा है मैंने एक महीने के दौरान, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो उससे आई कैन एनालाइज, आई कैन ऑर्गेनाइज माय थॉट्स, और उसके ज़रिए मैं अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर ज़्यादा सीरियस हो सकती हूं और ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से आगे कर सकती हूं। तो ये आप भी कर सकते हैं, एक तरह से सेल्फ थेरेपी की तरह यूज़ हो सकता है। अगर आप लिख कर रखते हैं अपने रूटीन को, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस 5 मिनट अपने पूरी दैनिक दिनचर्या में से निकालिए और आप ये करके देखिए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो तीसरी हैबिट की बात करते हैं। तीसरी हैबिट है मिनिमल करिए अपने रिसोर्सेस को। जो भी आपके पास बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपके पास जितनी भी रीडिंग मटेरियल है, उसको मिनिमम कीजिए। इससे क्या होता है, क्लटर जो लाइफ में, जो बिखराव होता है, उसमें कमी आती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने टाइम को, जो बहुत ही प्रीशियस टाइम है, उसको फोकस कर पाएंगे ज़रूरी चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, और अपना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो सक्सेस मंच के साथ जुड़े रहिए, हम आपको उसी तरह का रिसोर्स प्रदान करेंगे ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर आपको भटकना ना पड़े। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो मेरी आपसे सलाह है, आपकी तीसरी हैबिट होनी चाहिए कि आप रिसोर्सेज को मिनिमम कीजिए, बुक्स को मिनिमम कीजिए, मटेरियल को मिनिमम कीजिए, मिनिमम एंड बेस्ट रखिए, तो ही आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चौथी हैबिट UPBCS एस्पिरेंट के लिए लेकर आई हूँ कि आपको ये सोचना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको पहले करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपनी लाइफ में हर चीज़ को। तो आप जब उठें सुबह तो आप नोट कर लीजिए आज आपको क्या क्या करना है, फिर उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे पहले कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको पहले करना है और फिर बाकी चीज़ें बाद में। इससे ये होता है कि 0% से वो में नहीं रहता है, कुछ आपका प्रोग्रेस होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को आप पहले रखिए। ये एक बुक से इंस्पायर होकर मैंने कहा है, ये बुक है गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री
प्रोडक्टिविटी, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, डेविड एलन की ये बुक है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स को पहले करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स को पहले करना है, बाकी चीज़ों को बाद में। तो आइए बात करते हैं फिफ्थ हैबिट के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। ग्रैटिट्यूड, यानी कि थैंकफुल रहिए, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं आपकी लाइफ में, जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए भगवान से शुक्रिया कीजिए, थैंक यू ज़रूर कहिए। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो जैसा हम सोचते हैं उसी तरह काम करता है। अगर हम कोसते रहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, हम गाँव में हैं, हम कैसे तैयारी करें, तो ये चीज़ ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी आपको। तो हमेशा रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही थैंकफुल रहिए भगवान के प्रति कि उन्होंने ये लाइफ दी है आपको, आपके पास खाना है, आपके पास पानी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल में पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को थैंकफुल करिए, अपने पेरेंट्स को थैंकफुल करिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को थैंकफुल कहिए, कहीं और सोचिए कि आप बहुत लकी हैं। आप देखिए, अगर कोई प्लांट से एक नया पत्ता, एक फूल खिलता है तो हमें कितनी खुशी होती है, तो उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। कभी भी शिकायत करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो शिकायत को थोड़ा दूर रखिए और ग्रैटिट्यूड को अपनाइए। आप हमेशा ग्रेटफुल रहिए, ये मत कहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, आपके पास सब कुछ है, हमेशा यही कहिए। जब भी स्ट्रेस हो आप डीप ब्रीथ कीजिए और रिलैक्स कीजिए, क्योंकि रिलैक्स करना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मैं जानना चाहती हूँ आपकी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको आपकी तैयारी में मदद कर रही हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।